यहाँ पर काफी लोगों में यहाँ पर आवाजाही। देखिए हम खड़े हैं आज मऊरानीपुर तहसील के गरोठा चौराहे पर। यहाँ आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने वाला है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के जो भी उम्मीदवार हैं, हमारे आनंद सिंह परिहार बड़ा गाँव जो अपना नामांकन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गरोठा चौराहे पर उनके भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के नेतागण हैं, उन्होंने आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो को आड़ा लगा दिया है, स्कॉर्पियो को आड़ा रोड पर लगा दिया है, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। और यहाँ हम आइए हम चर्चा करते हैं, यहाँ हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दक्ष परमार। ये देखिए हमारे बीच में आई, क्या नाम है भैया आपका? चंद्रभा। ये जाम कब से लगा हुआ है? अभी लगा, मैं तो अभी आया। कितने समय से? 5 मिनट। देखिए जाम की स्थिति बहुत ही गंभीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, बीच पर आड़ी स्कॉर्पियो लगा करके, और इससे कि अन्य दल का कोई प्रत्याशी नामांकन करने ना आ सके। झांसी के तहसील मऊरानीपुर में आज ब्लॉक प्रमुख का नामांकन किया जा रहा, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ने शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन किया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर अन्य दलों को रोकने के लिए जाम लगा दिया, जिस दौरान विपक्षी दलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। झांसी के मऊरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।